नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीए क्लर्क का सिलेबस और कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड हैं, आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लर्क का, या पहली बार बैंक के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एकदम आप लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग को क्या करना होगा। जिसका जीरो लेवल नहीं है वो तो अपना कर लेगा, लेकिन जिसका जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है उसको क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं सिलेबस में। सिलेबस की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज है 30 30 मार्क्स के हैं, और 20 मिनट का जो टाइम रहेगा, मतलब 20 मिनट तक आपको इंग्लिश क्वेश्चन दिखेंगे 20 मिनट तक। उसके साथ उसके बाद आपको उस टाइम पे आपको ना न्यूमेरिकल एबिलिटी दिखेगा, ना आपको रीजनिंग एबिलिटी दिखेगा, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखेगा, इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन दिखेंगे 20 मिनट तक। लगातार 20 मिनट तक आपको इंग्लिश के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। जैसे ही 20 मिनट खत्म होगा तो आपका इंग्लिश का लैंग्वेज का पूरी पूरी तरह क्वेश्चन गायब हो जाएंगे, और आपके मैथ्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन आ जाएंगे अगले 20 मिनट के लिए। अगले 20 मिनट के लिए आपके सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे। अगले 20 मिनट में आपको कोई और क्वेश्चन नहीं दिखेगा, 35 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के दिखेंगे। अगला, अगर हम लोग उसके बाद जैसे ही 20 मिनट खत्म होता है तो आखिरी 20 मिनट में आपको रीजनिंग दिखेगा। आखिरी 20 मिनट में रीजनिंग दिखाएगा, कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। और कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। तो आप लोग का ये जो SBI नया पैटर्न लाया है, ये इसलिए लाया है कि स्टूडेंट्स क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को कम टाइम देके, मैथ्स को ज़्यादा लेके और रीजनिंग को ज़्यादा लेके अच्छा खासा कट ऑफ ऊपर कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी सबको 20 20 मिनट कर दिया, तो 20 मिनट सबके लिए कंपलसरी हो चुका है। 20 मिनट अगर मैथ्स में देखेंगे तो हम लोग टेंशन में ही गलत, मतलब टेंशन में सामने का क्वेश्चन अगर टफ रहा वो टेंशन के कारण ही थोड़ा सा टाइम तो उसी में चले जाएगा। तो ये जो है चाल है, तो इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए इस नए पैटर्न की। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है उसका मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब ये इस वीडियो को आखिरी तक दीजिएगा, देखिएगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन 3 महीने में। पहले 1 महीने का अभी जो मैं बताऊंगा वो पहले 1 महीने का है। जीरो लेवल अगर आपका है तो पहला 1 महीना, मतलब आज कौन सा तारीख हो गया, आज 11 तारीख हो गया, 11 अप्रैल तक जो है आप लोग को क्या करना है, कौन सा टारगेट को कम्प्लीट करना है वो मैं बताऊँगा। तो टोटल आपका कितने? 100 क्वेश्चन है और 1 घंटे का है, 20 20 मिनट में डिवाइड है। और मैंने कह दिया है कि 20 मिनट तक सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगा, एक ही आप लोग का, या तो इंग्लिश दिखेगा, उसके बाद फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी। अब आ जाते हैं हम लोग इसके थोड़े डिटेल एनालिसिस में कि जो मैथ्स आ रहा है मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन और कितने कितने वेटेज रहेंगे। जो DI रहता है, DI जो रहता है डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा टफ रह सकता है वो। 12 बार ग्राफ, लाइन चार्ट या फिर टेबुलर, टेबुलर, ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर सीरीज जो है, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा सा ये कम के सीरीज, ये कभी कभी नंबर सीरीज में दो टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। एक तो होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे कि ये हो गया आपका स्क्वायर्स का हो गया, जैसे कि 1 हो गया 4 हो गया 9 हो गया डैश हो गया, ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। और एक दूसरा क्या हो जाता है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। एक सीरीज दे देगा उसमें से एक नंबर रॉन्ग रहेगा, तो ये होता है नंबर सीरीज के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के हो गए 3 4 टाइप रहेंगे आपके। नंबर सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ऑड निकालना है जो गलत है, या फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म बोलते हैं उसको। और एक होता है ऑड नंबर, ऑड कौन सा है, गलत कौन सा है, उस नंबर को आप लोग को चुनना है। अगला जो इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स में, वो हो जाता है मिसलेनियस क्वेश्चन जो है। मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वेटेज 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन जो है मिसलेनियस सेक्शन से आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मिसलेनियस में क्या क्या आ जाएगा, एवरेज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा। मेंसुरेशन अभी अभी ऐड किया है, ज़्यादा उसके क्वेश्चंस नहीं आते थे पहले, अभी लेकिन अभी उसको ज्योमेट्री का भी डाल रहा है, वॉल्यूम का भी डाल रहा है, हर चीज़ का डाल रहा है, तो मेंसुरेशन भी अभी इंपॉर्टेंट हो गया। ये अक्सर SSC के इंपॉर्टेंट हो जाता था, लेकिन अभी जो मेंसुरेशन है वो क्लर्क और बैंक क्लर्क और बैंक PO में भी डाल रहा है, तो मेंसुरेशन को देख लीजिएगा। परसेंटेज के क्वेश्चंस और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलजेब्रा कभी नहीं पूछता था, अब अलजेब्रा भी डाल रहा है धीरे से। प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम वर्क, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड मिक्सचर का मिक्सचर प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम्स, और फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, इसके कितने हैं, 10 क्वेश्चन का वेटेज है। बोडमास रूल है, अप्रॉक्सीमेशन रूल है, और उसके बाद फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, सर्ड्स इंडिसेस क्या होता है, पावर्स वाला जो अप्रॉक्सीमेशन रहता है उसको बोलते हैं सर्ड्स इंडिसेस। जैसे √√2 + √3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसको सर्ड्स इंडिसेस बोलते हैं। बोडमास रूल में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पहले डिवाइड करना है कि पहले इंटू करना है, ये सब आप लोग को मैं बाद में बता दूंगा। डिटेल एनालिसिस आपका कितना है कि क्या क्या टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन के वेटेज बनेंगे। जैसे ही आपका ये 20 मिनट खत्म होता है तो आपका क्या आएगा, रीजनिंग आ जाएगा। रीजनिंग में आप लोग के जो है पजल्स हैं, पजल सीटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी मुश्किल आएगा, 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। हो सके तो इसको स्किप कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट है, तो इसको स्किप करके आगे चले जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप लोग छोड़ दिए तो मेरे ख्याल से आपका SBI क्लर्क नहीं निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये बस आप लोग का टाइम वेस्ट करने के लिए, इसको आप लोग हो सके तो इसको हटा ही लीजिएगा। लेकिन आप लोग का जो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप लोग को जानबूझ के दिया जाएगा कि आप लोग ये 3 क्वेश्चन को स्कोर कर लीजिए। ब्लड रिलेशन ये इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग का स्कोर करने के लिए। सिलॉक्स जो रहेंगे वो 5 क्वेश्चन है, वो भी स्कोर करने के लिए कि आप लोग अपना कट ऑफ क्लियर कर लो। कट ऑफ क्लियर करो, ओवरऑल कट ऑफ आप लोग का यहीं से क्लियर होगा, ओवरऑल कट ऑफ आप लोग का यहीं से क्लियर होगा। आप अगर पजल्स में अटक गए तो आप लोग का हो सकता है कि SBI क्लर्क का प्री भी ना निकले। तो डायरेक्शन सेंसेस में आप लोग ध्यान दीजिए, ब्लड रिलेशन में ध्यान दीजिए, सिलॉक्स में ध्यान दीजिए, ऑर्डर रैंकिंग में ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में या ध्यान दीजिए आप लोग का ये हो जाता है 5 क्वेश्चन। इनइक्वलिटीज में या ध्यान दीजिए आप लोग का 2 क्वेश्चन रहता है, काफ़ी ईजी है। विद इन 5 टू 7 सेकेंड, 5 टू 7 सेकेंड्स कभी कभी क्वेश्चन दिख जाता है, क्लियर हो जाता है। अगर उसमें 2 कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट कंडीशन है एक लाइन में, तो आराम से हो जाएगा। और क्लर्क लेवल है तो काफ़ी ईजी पूछेगा। और अब 20 मिनट का जो कर दिया है सेक्शन, तो काफ़ी ईजी पूछने का ही है, क्योंकि 20 मिनट में अगर मुश्किल क्वेश्चन दिया तो 20 मिनट में कोई नहीं कर सकता। अगर मुश्किल आपके लिए तो हर किसी के लिए, तो जैसे ही आप लोग को मुश्किल क्वेश्चन दिखते हैं तो आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग को क्या है इजी क्वेश्चन को ढूंढना है। मुश्किल क्वेश्चन देख के आप लोग हार मान लिए, वहीं बैठ जाएंगे कि हाँ इस बार तो SBI क्लर्क फेल हो गए, ऐसा सोचेंगे तो पक्का फेल होंगे। जितना हो सके आप लोग को ईजी क्वेश्चन ढूंढ के आप लोग को ईजी क्वेश्चन को आप लोग को अटैक करना है। नेक्स्ट जो हो जाता है वो हो जाता है अल्फा न्यूमेरिकल सिम्बॉलिक सीरीज। इसमें ए और हैश हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, 1 2 3 ऐसे करके रहेगा। उसमें से बोलेगा लेटर्स को हटा दो तो कितने वोवल्स, वोवल्स में कुछ बोल देगा, वोवल्स में हो गया, नंबर्स में हो गया, ये सब अलग अलग से ये अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो आप लोगों को पजल्स को छोड़ के ये सब में फोकस करना है, ये सब में फोकस करना है, तभी आप लोग का रीजनिंग का कट ऑफ तो क्लियर होगा और आप लोग का स्कोर भी अच्छा आएगा। अगला हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंग्लिश। इंग्लिश में काफ़ी लोग मैथ्स में और रीजनिंग में कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ रह जाता है। तो इंग्लिश को आप लोग को हिसाब से करना है। इंग्लिश का मैं भी एक बहुत ही अच्छी बुक बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग का ये सेक्शन और एरर स्पॉटिंग का सेक्शन और हो जाएगा सेंटेंस करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट का सेक्शन, मतलब यहाँ के 5 क्वेश्चन, यहाँ के 5 क्वेश्चन, यहाँ के 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पक्का हो जाएगा अगर वो बुक को आप कंप्लीट कर लिए तो। और हो सके तो क्लोज टेस्ट भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट पूरा वोकैब बेस्ड होता है। अगर आप लोग को ये वोकैब का मीनिंग ही नहीं पता तो आप क्लोज टेस्ट में डालोगे कैसे? कभी कभी क्या है, वोकैब्स का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप लोग वो वोकैब को यूज़ करके ही डाल सकते हो। आप लोग जो सोचोगे वही ऑप्शन में मिल जाएगा। उसका वोकैब्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये चारों सेक्शन जो है, अभी एक बुक बताऊंगा उससे हो जाएगा। और ये दोनों जो है ये आपके रीडिंग हैबिट से होगा। आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये जो 10 क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 10 क्वेश्चन और पैरा जंबल्स का जो 5 क्वेश्चन, ये आप लोग को रीडिंग हैबिट से ही बन पाएगा। आप लोग को रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, तभी आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन और पैरा जंबल्स का 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक से 5 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन और रेस्पॉन्डिंग के 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो है ये अगले जो मैं बुक बताने वाला हूँ उस बुक को अगर फॉलो कर लिए तो ये 20 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे। पैरा एग्जाम्पल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके रीडिंग हैबिट के ऊपर है। तो मैं इसके ऊपर तो आप लोग का कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग को एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर के एक एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और सोचिएगा कि यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। और पैरा जंबल्स आप लोग खुद सोचिए, आप लोग देखिए कि कौन सा वर्ड्स ऑल दो कब यूज़ होता है, बट ऑल्सो नॉट ओनली एक साथ यूज़ होता है। तो ऐसा आप लोग लिंक बना के आप लोग पैरा जंबल्स बना सकते हैं। ये स्कोरिंग है, ये भी स्कोरिंग है, लेकिन आप लोग का ये जो है इसी में आप लोग के मार्क्स कटते हैं, इसी में आप लोग के मार्क्स कटते हैं। तो इसके लिए जो बुक है वो ये बुक है, ये नीतू मैम का बुक है, नीतू सिंह मैम का बुक है, KD पब्लिकेशन का है, इंग्लिश का प्लिंथ, इंग्लिश प्लिंथ प्लिंथ का बुक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 का है। इसका ग्रामर अगर आप लोग को पता चल गया, इसमें वो कैप्स आप लोग पकड़ लोगे और आप लोग का EDM सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपका काफ़ी अच्छा ये जो 4 सेक्शन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपके 100% ये 4 क्वेश्चन में, ये 20 में से आप लोग के 15 आराम से सही हो जाएंगे अगर ये बुक को आप लोग पूरी तरह थॉरली स्टडी कर लोगे। तो इंग्लिश का प्लिंथ, इंग्लिश का प्लिंथ, पैरा प्लिंथ टू पैरामाउंट और ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 KD पब्लिकेशन का नीतू सिंह, राइटर कौन है नीतू सिंह, ये याद रखिएगा। और ये फोटो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कोई भी बुक डिपो में जाके ये बुक ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा लेंगे और इसको थॉरोली स्टडी कर लेंगे तो आपका ये इंग्लिश का सेक्शन पक्का निकल जाएगा। काफ़ी लोगों का इंग्लिश का सेक्शन फंसता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का इंग्लिश का सेक्शन फंस जाएगा। अगला आप लोग जैसे ही ये कंप्लीट कर लेते हो, मैथ्स तो आप लोग का होता ही है, थोड़ा बहुत ठीक होता है, रीजनिंग आप लोग को थोड़ा बहुत आता ही है। इंग्लिश आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इस बुक को ख़रीदना है,
इस बुक को खरीदना है, इसमें 44 सेट्स है। ये कौन सी बुक है? किरण पब्लिकेशन की एसबीआई क्लर्क के लिए किरण पब्लिकेशन की प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम जो जून में होने का है, उसके लिए जो बुक है किरण की, उसको ले लेना है। 44 सेट्स को सॉल्व करना है, मैथ्स और रीजनिंग। और आप लोग हर सेट्स को जब सॉल्व करने के बाद ऊपर आप लोग को क्या करना है, मार्क्स लिखना है कि आप लोग को इस बार कितना आया है मार्क्स। आप लोग को इस बार जितना आया अगली बार उससे ज़्यादा लाना है, और ज़्यादा नहीं आ रहा कौन सा सेक्शन में आप लोग वीक हैं, कौन सा सेक्शन आप लोग का लॉस हो रहा है, आप लोग को उस सेक्शन में मेहनत करना है। आप एक काम कर सकते हैं, इस कमेंट सेक्शन में आप लोग इस फिर से वापस इस वीडियो में आके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मेरे को इस सेक्शन में, इस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक का आप लोग को मैं एक बार बेसिक्स समझा दूंगा, तो बेसिक्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो नीतू मैम की बुक लेके इंग्लिश अपना सुधारना है, इंग्लिश आप लोग को सेट कर लेना है। उसके बाद ये बुक आप लोग को आज के आज लेके इस पे भी आपको हर दिन 2 से 3 सेट आप लोग को लगा लेना है, 2 से 3 सेट आपको लगा लेना है, 1-1 घंटे का है। 3 घंटे सेट लगा लिए, 3 घंटे एनालिसिस कर लिए, 6 घंटे आप लोग को इस बुक को देना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप लोग को 1 महीने में ख़त्म करना ही, 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है। 1 महीने के अंदर ख़त्म करेंगे तभी उसके बाद, ये पहला स्टेप है। इसके बाद आप लोग को अगला स्टेप के लिए आप लोग को रेडी रखना है। मैं अभी अगला स्टेप का नहीं बताऊंगा, 11 अप्रैल के बाद अगला स्टेप का मैं बता दूंगा आप लोग को कि क्या करना है अगला स्टेप। ये जो 1 महीना है आप लोग को यही चीज़ करना है, अपने मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा बहुत अच्छा कर लीजिए। इसमें काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ईजी लेवल है, तो आप लोग का बेसिक्स अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि अगला आप लोग को क्या करना है। तो मेन आप लोग का क्या है, एक तो हो गया इंग्लिश का प्लिंथ पैरामाउंट, और मैथ्स और रीजनिंग साइड बाय साइड चलेगा, और इसमें आप लोग को ये बुक को आप लोग को 44 सेट्स को सॉल्व करना है। तो 2 बुक हो गए, एक तो किरण पब्लिकेशन का ये जो प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम है उसका बुक हो गया एसबीआई का, और एक हो गया इंग्लिश का नीतू मैम, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इंग्लिश इंग्लिश प्लिंथ। ये फोटो को आप लोग दिखा देंगे डिपो में, तब भी वो दिखा देगा बुक कौन सी है, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अमेजन में ये अवेलेबल होगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से मंगा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी लोग एसबीआई क्लर्क भर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उन लोग को कहाँ पे कौन से बुक्स को फॉलो करना है, तो ये बुक्स आप लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ्स रीजनिंग के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ किरण पब्लिकेशन का ये प्रीमियर का जो सैम्पल पेपर है 44 सेट्स से है, उसको ले लीजिए, और जिसमें जो सेक्शन में आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो सेक्शन को इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो उस सेक्शन उससे जो टॉपिक रहेगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को वो सेक्शन क्लियर हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के लिए वो प्लिंथ की बुक ले लीजिए, और जो 44 सेट्स का किरण का पब्लिकेशन का बुक है उसको ले लीजिए। ये 2 बुक लेने के बाद आप लोग को मैथ्स रीजनिंग में जो भी प्रॉब्लम होता है वो बताइए, तो उसमें हम लोग वीडियो बना के उसको उसको समझ लेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आप लोग को अभी क्या करना है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।